मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सम्पूर्णलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ धन्यवाद माई युट्युब च्यानल में स्वागत है आप लोगों को सभी लोगों को सब आदमी देख रहा है जो भी जिधर से भी देख रहा है आप लोगों को फिर भी नमस्कार। मैं ब्लॉग में मैं आज बोलने जा रहा हूँ काठमांडू सिटी में शंभुनाथ और पशुपतिनाथ और काठमांडू का व्यू और काठमांडू में जो जो दरबार है पुराना वो मंदिर मस्जिद बहुत जगह है। पशुपति टेम्पल देखो ये इतना अच्छा जगह है ना कि आप लोगों को किधर किधर काम कर रहा है क्या क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं है। कमेंट पे देखिए लिखिए थोड़ा सा कमेंट में लिख के आप लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि काम करो भाई काम करके घर फैमिली भी देखो। काठमांडू से नज़दीक में है ये नगरकोट सिटी। नगरकोट से हिमालय पर्वत बहुत दिखता है अच्छा नज़ारा दिखता है उधर से बहुत नज़ारा अच्छा अच्छा आता है। ओके इधर से भी जाने का बहुत अच्छा जगह है। फैमिली देख के जो भी बचता है समय थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग का माइंड फ्रेश करने के लिए ये शरीर को थोड़ा ऑक्सीजन देने के लिए भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ नेपाल का खूबसूरत खूबसूरत जगहों में एक बार जाके देखिए कैसा लगता है फिर। और ये है पोखरा। पोखरा भी बहुत सुंदर जगह है। हिमाल बहुत है हिमश्रृंखला बहुत अच्छा जगह है इधर भी घूमने का बहुत। और फेवा लेक बहुत अच्छा जगह है जी। बताइए कि कमेंट में आके एक बार जिंदगी में जाइए नेपाल घूमने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जी बहुत बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग भी घूमने जाइए आप लोग का फैमिली को भी लेके जाइए अच्छों से घूम के आइए एंजॉय करके आइए यही बोलना चाहता हूँ मैं। यह है सगरमाथा नेशनल पार्क। सगरमाथा हिमाल ओल का सबसे बड़ा हिमाल है। ओके 8848 मीटर ऊंचाई पर है ये पर्वत। इसमें बहुत लोग जाता है ओल से आता सभी दोस्तों को क्योंकि नेपाल में जाके नेपाल का अच्छा अच्छा जगह में देख के आइए कैसा है क्या है। और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका भूटान ऐसा कंट्री से बहुत लोग जाता है आप लोग भी जाके घूम के आइए। बौद्ध भूमि लुम्बिनी नेपाल में है ये बहुत अच्छा जगह है। इधर भी जाके देखने का नज़ारा खूबसूरत है। लुम्बिनी बहुत बहुत अच्छा है जी क्योंकि समय हम लोग को नहीं मिलता है बट भी थोड़ा सा भी समय निकाल के जाके आइए एंजॉय करिए जिंदगी में एक छोटा सा जिंदगी है। छोटा सा जिंदगी में कितना टाइम कमाएंगे कितना टाइम देखेंगे कितना टाइम क्या क्या करेंगे बट एक बार जरूर। और ये चितौन नेशनल पार्क हाथी गैंडा और टाइगर और ये क्या क्या जंतु है सब कुछ उधर मिलता है देखने का बहुत अच्छा नज़ारा है इधर। चाहिए घूमिए अपना माइंड में जो भी काम कर कर के थक गया है उसको थकावट को और चिंता फिक्री को थोड़ा सा दूर रख के आइए दूर भगाइए। क्यों दूर भागेगा क्योंकि खूबसूरत जगह में जाएंगे आप। ये जगह है इंडिया का दार्जिलिंग सिक्किम का नज़दीक का इलाम नेपाल का इलाम टी बागान और बहुत सुंदर नज़ारा आता है इधर भी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है बहुत टूरिस्ट आता है। लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो वो आनंद जो आनंद मिलता है ना वो आनंद बहुत अच्छा है जी। वो आनंद के लिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को एक बार जरूर नेपाल का खूबसूरत खूबसूरत इलाकों में जाइए जाने का टाइम। यह है काठमांडू का नज़दीक भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुराना बहुत पुराना दरबार है इधर भी बहुत अच्छा जगह है ये भी देखने का बहुत अच्छा लगता है बहुत लोग देखता है जाके देख लो। जो भी जाएंगे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट करो भाई कमेंट करने के बाद जो भी जाएंगे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ
आप लोगों को जाने का जगह सजेस्ट कर सकता हूँ, कौन सा जगह जाने का, कौन सा टाइम में, वो मैं बता सकता हूँ। मैं भी खुद भी जा रहा हूँ। यह है अन्नपूर्णा हिमालय का जगह, अन्नपूर्णा हिमालय पर्वत, बहुत अच्छा है इधर, इतना अच्छा है, सुंदर जगह है, बहुत इंजॉय होता है हिमालय पर्वत में जाके देखने का। ओके, मैं भी नेपाल जिस टाइम में छुट्टी जाता हूँ उस टाइम में बहुत बहुत जगह जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये शुरुआती टाइम है मेरा ब्लॉग बनाने का, स्टार्टिंग टाइम में बना रहा हूँ। स्टार्टिंग टाइम में आप लोग मेरे को बहुत हेल्प करेंगे, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करेंगे बोल के। ये भी खुम्बू वैली भी बहुत अच्छा जगह है, चौरी याक बोलता है ना, याक चौरी गाय बोलता है वो उसको, उधर ये बहुत मिलता है। इधर खुम्बू वैली में बहुत अच्छा नज़ारा है हिमालय पर्वत देखने के लिए भी। इधर ये बात इधर रखता हूँ, और ऐसे घूमने जाने के लिए आप लोगों को बहुत छोटा छोटा सा फोटो से बना के मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसा जगह है बोल के, उसमें आप लोग जा सकता है, घूम सकता है, कैसा क्या क्या कैसे घूमने का वो भी बनाऊंगा बाद में। अभी ले ये छोटा सा, ये है पुराना राज दरबार, नुआकोट दरबार बोलता है इसको। ये जगह भी बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है नेपाल का, बहुत अच्छा अच्छा सजावट है। वीडियो आप लोगों को ले रख रहा हूँ, आप लोग देख के साथ सपोर्ट करिए जी, यही बोलता हूँ। ओके, मैं भी बाहर कंट्री में हूँ, आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहा है, आप लोग भी घर जाने का टाइम, अपना सफर जाने का टाइम, अपना देश जाने मुल्क जाने का टाइम में। यह है काठमांडू का नज़दीक में ही पाटन दरबार, ललितपुर जिला में पड़ता है ये। ओके, बहुत अच्छा है इधर भी पाटन दरबार, बहुत मल्लकालीन दरबार है ये भी, बहुत मल्ल राजाओं का पाला का दरबार, बहुत अच्छा है, सुंदर नज़ारा। कुछ समय निकालो, अपना कंट्री में तो सब लोग घूमता है, दूसरा कंट्री में भी जाके देखो थोड़ा सा। नेपाल छोटा मुल्क है बट खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क में जाके तो देखो एक बार कैसा लगता है आप लोग को, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये चीज़ में ये है धरान सिटी, बहुत अच्छा धरान, बहुत अच्छा जगह है इधर भी, बहुत सुंदर सुंदर जगह है घूमने का, बहुत अच्छा लगता है इधर भी, टी बगान है, बहुत सुंदर जगह है ये। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, यही बोल के आज का ये वीडियो मैं अंत करता हूँ। सभी लोग को नमस्कार, फिर भी सलाम अलैकुम, ऑल गाइस सेफ, ओके बैठिए। ये है बंदीपुर, बंदीपुर पे बहुत अच्छा सुंदर जगह है, बंदीपुर घूमने के लिए इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस, पैराग्लाइडिंग बहुत करता है इधर भी। ये पनौती बनने जगह भी बहुत अच्छा है, का जगह है इधर भी घूमने का, बहुत वो है देवी माँ रहता है, कुमारी देवी, ऐसा बहुत अच्छा आता है। माय यूट्यूब चैनल शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट फॉलो। ओके, थैंक यू।